आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे और साइंस में जो फिजिक्स में है ना क्वेश्चन साइंस से अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो लेसन नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 में आपका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर हमको इसका न्यूमेरिकल बताइए। इसका न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता, इसका आंतरिक प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न को सिखा दीजिए कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका आंतरिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इतना जो ये पॉइंट हमने आपको लिखे हैं, इतना पॉइंट अगर आप समझ लेते हो तो आपको पूरा भरोसा है कि आप इसको सीख लोगे। इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप नहीं जिए तो आप यहाँ पर मेरे साथ बन के रहिए, बस जाने 15 से 20 मिनट बन के रहिए, आपको नाम ही आपको समझ में आने लगेगा। ऐसे आप एक नहीं कम से कम तो 5-6 मैच इससे रिलेटेड जरूर बताएंगे। जब आप 5-6 मैच सीख लीजिएगा, 5-6 न्यूमेरिकल आप सीख लीजिएगा बनाने को, तो क्या आप नहीं बना सकते इससे रिलेटेड क्वेश्चन? आराम से बना सकते हो। तो हम अभी आपको 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? कितना? 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या आता है इसको बनाने का। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में एक होता है दर्पण सूत्र, दूसरा होता है लेंस सूत्र, ठीक है? तो दर्पण जो होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों जब क्वेश्चन में रहेगा तो हमको ये दर्पण सूत्र यूज करना पड़ता है, ठीक है? और जब लेंस रहेगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बस ध्यान दीजिएगा, जब लेंस की बात होगा तो आपको लेंस वाला पूरा यूज करना है, दर्पण रहेगा तो दर्पण की कुंडला यूज करना, लेंस रहेगा तो लेंस की कुंडला। दर्पण सूत्र ये होता है, ये आप याद कर लोगे, ठीक है? और एक जो फोकस सूत्र होता है, हम नीचे भी ये बता रहे हैं, ठीक है? सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एक का मतलब देखिए क्या है, फोकस दूरी। यू का मतलब वस्तु की दूरी, भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, आर का मतलब वक्र का त्रिज्या, ठीक है ना? एच एस का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और एस का मतलब वस्तु की ऊंचाई, ठीक है? तो ये सब आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, याद रख लोगे। और ये हो गया फोकस दूरी, जब नहीं मालूम होगा और वक्र का त्रिज्या दिया रहेगा तो आप पहले फोकस दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है? मैट बनाने का नियम है, इसका न्यूमेरिकल बनाने का नियम है कि जब भी आपको वक्र का त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी नहीं मालूम है तो पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए, ठीक है? फिर एक होता है क्वेश्चन जिससे आवर्धन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आवर्धन। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल है, इसको आवर्धन नहीं लिखा है, नहीं लिखा आवर्धन, लेकिन कभी कभी आवर्धन वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवर्धन निकाले, तो हम इसमें भी आवर्धन निकाल के आपको बता देंगे, कोई दिक्कत? इसे पूछा नहीं गया लेकिन हम अपनी मर्जी से आपको आवर्धन इसमें सिखा देंगे, ठीक है? चलिए, तो आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस बी बटा यू, या एम बराबर एबी होता है एच एस बटा एच, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एच एस किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच किसको बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई। पढ़े हो गए ना ये लेसन की पढ़ाई किए कि नहीं किए? अगर लेसन पढ़े हो गए तो आपको पता है प्रतिबिंब भी होता है वस्तु होता है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ लिखिए एम बराबर माइनस बी बटा यू, एम बराबर एच एस बटा एच, इधरों को जोड़ देंगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फॉर्मूला बहुत खास है, ये फॉर्मूला बहुत खास है, इसको हम अपने मन से बनाया है, ठीक ना? ताकि इसको इससे क्या करेंगे, इसीलिए मैटर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नहीं चलिए, अवतल दर्पण की जब भी बात होगा, बस ध्यान देने की बात है, अवतल दर्पण की जब भी बात होगा तो वक्रता त्रिज्या रहे या फोकस दूरी रहे, ऋणात्मक और ऋणात्मक का मतलब माइनस में, यही ध्यान देना है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं और कहीं नहीं गलती करते, बच्चे फॉर्मूला लगा लेते हैं सही सही, सब चीज कर लेते हैं सही सही, लेकिन गलती क्या करते हैं, ये उनको ये याद नहीं रहता कि अवतल दर्पण की जब वक्रता त्रिज्या रहेगा या फोकस दूरी तो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, ठीक है? उसी प्रकार उत्तर दर्पण रहेगा तो उत्तर दर्पण उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, मतलब प्लस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। लेंस सूत्र ध्यान से देखिएगा आपको यही नजर आएगा, बस यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आपको एक ध्यान दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना? लेंस की अगर आवर्धन देखिएगा तो भी आपको यही नजर आएगा, बस यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, उल्टा चलना है, चलना है ना उल्टा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस। बाकी सब फॉर्मूला वही है ना, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। अब इससे भी वही बात है, तो उत्तर लेंस रहेगा, उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक, ठीक है? यहाँ भी वही था, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक, तो इजीली याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? जब अवतल लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ठीक है? एक होता है क्वेश्चन क्षमता, लेंस की क्षमता निकाले, तो लेंस की क्षमता का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/8, एक होता है 100/8। तो जब सेंटीमीटर में दिया जाएगा क्वेश्चन, किसमें? सेंटीमीटर में, तो आप लिखिएगा 100/8, ठीक है? अगर मीटर में रहेगा, किसमें? मीटर में, तो कौन फॉर्मूला लगाएगा? ये वाला 1/1 आ गया। अगर सेंटीमीटर में रहेगा एक फॉर्मूला लगाइएगा, मीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है? नहीं बाकी ये तो पहले पता नहीं है, ठीक है? एक पॉइंट और है, जब एम किसको बोलते हैं? देखिए एम यहाँ पर बताया जी, एम का मतलब क्या होता है? आवर्धन, नहीं बताया। एम जब क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस। एम जब माइनस में होगा तो इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है? एम जब ऋणात्मक होगा इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है? एम जब धनात्मक होगा, एम धनात्मक होगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, सीधा है।
इससे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल समझेंगे इतना में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगने लगेगा कि आपसे बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो पहला नियम, जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ना क्वेश्चन को ध्यान से लेगा। आप ध्यान से नहीं, आपको ध्यान से लोगे तो समझ लोगे, अभी ही आप सीख लोगे। बस क्वेश्चन ध्यान से, ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, बस रुक जा, स्टॉप, यही बस स्टॉप। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मतलब वस्तु की ऊंचाई कितना, 5। तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं ना, तो एच कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको बता देते हैं, जब ये हमको ऊपर लेते हैं तो ऊपर प्लस लीजिएगा, वस्तु ऊपर रखता है ठीक ना, पर नीचे जब लेते हैं तो क्या लेंगे, माइनस में। ये याद रखिएगा, नीचे जब भी पदूरी लेंगे तो माइनस में, ऊपर आया तो प्लस में। तो पहले से प्रतिबिंब माइनस लेंगे नहीं, जब प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, लिखा जाएगा प्रतिबिंब उल्टा है तब माइनस लीजिएगा ठीक ना। प्रतिबिंब जब सीधा तो प्लस, सीधा रहेगा तो प्रतिबिंब ऊपर ही बनेगा। ध्यान से सुनिए, प्रतिबिंब जब लिखा सीधा है तो क्या लेना है, प्लस, क्योंकि सीधा ऊपर ही बनेगा। अगर लिखा है प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टा तो नीचे रहेगा ना, तो क्या लेंगे माइनस। लेकिन वस्तु की ऊंचाई रहेगा हमेशा प्लस, लेकिन वस्तु हमेशा ऊपर रहता है, समझ आया। चलिए तो वस्तु की ऊंचाई 5, आगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यहाँ यहाँ बस यहाँ पर रुक जाइए, उत्तल लेंस यहाँ पर है, फोकस दूरी धनात्मक है। ध्यान से देखिए, हम अपने मन से सब कुछ नहीं बताएंगे, जो आपके बोर्ड पर लिखा है ना वही हम बताएंगे। अगर बाहर से इतना भी कुछ बोलेंगे ना तो आप वही बोल लीजिए, बस आप बाहर से बोल लीजिए, जो हम बोर्ड पर लिखे हैं वही हम बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और इस सब पॉइंट को क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है ठीक है। कॉपी में लिख के इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको एकदम न्यूमेरिकल बन जाएगा। देखिए हम गारंटी देते हैं कि बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोला, उत्तल लेंस फोकस दूरी, तो फोकस दूरी लिखते हैं क्या, फोकस दूरी लिखते हैं एफ से, लिखिए फोकस दूरी एफ लिख दिया, नहीं लिखा फोकस दूरी एफ लिख दिया। अब फोकस दूरी क्या है जी, 10 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक होती है प्लस है, तो प्लस आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस जब रहेगा तो लिखना ही पड़ेगा, सुना है, प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लोग टेंशन लेते हैं, प्लस बोला तो लिख लो प्लस, माइनस बोला तो लिख देना माइनस। ये प्लस कहां से आया, सुना यार कहां से आया, तो उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस क्या बोला है धनात्मक, धनात्मक प्लस। आगे बढ़ते हैं, 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या प्रतिबिंब है, लिख रहा ना 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी पर है तो वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब दूरी, ये ध्यान से लिखना है, वस्तु की दूरी है जी। देखिए ध्यान से, जैसे ही आप लिखा प्रतिबिंब की स्थिति निकाले, मतलब प्रतिबिंब की दूरी नहीं मानो, वस्तु की दूरी दिया हुआ है ना, निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, ये दिया हुआ है किसी दूरी, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी क्या होता है, देखिए ध्यान से, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी क्या होता है u, और u हमेशा प्लस में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं प्लस में, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ये सर होता है, नहीं ये सर प्लस होता है ना, आप कोऑर्डिनेट यूनिट पर हो कि नहीं पर हो, तो वस्तु की दूरी का प्लस होता है ना, नहीं माइनस होता है, नहीं पर हो जी, ये x होता है, ये x है, पर हो कि नहीं पर हो, ऊपर बाई नीचे बाई, नियामक ज्यामिति पर हो कि नहीं पर हो, ये 8वीं क्लास में पढ़ने को मिला, अनुमान नौमा 10वां भी पर हो गया, नहीं पर हो तो हम पढ़ा चुके हैं, मेरा वीडियो देख लीजिएगा ठीक है ना। जो भी होता है वो माइनस में होता है, किस होता है माइनस में, तो वस्तु हमेशा इधर रखाता है, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, नहीं पता तो हम यहाँ पर आपको लिख ही देते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या लिखेगा, वस्तु दूरी को हमेशा किस में लिखना है माइनस में, किसमें माइनस में ठीक है, तो वस्तु दूरी को माइनस में लिखेंगे, इसलिए माइनस कितना 2 सेंटीमीटर ना, तो 2 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये हमको मिल गया, निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी नहीं मालूम, नहीं मालूम और क्या निकालना, प्रतिबिंब का पार, प्रतिबिंब का पार को क्या बोलते हैं, एच डैश नहीं मालूम ठीक ना, और क्या निकालना, प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा, तो वो पहले ये निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लेंस है कि दर्पण है, क्या है लेंस है ना, तो चलेंगे लेंस सूत्र से, किससे लेंस सूत्र से लिखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या करना है जी, 1/V - 1/U = 1/F। आपको मन में सवाल आ रहा है लेंस सूत्र क्यों सर, क्योंकि लेंस है, अगर यहाँ दर्पण रहता ना तो दर्पण सूत्र लिखते, कौन सा सूत्र लिखते हैं दर्पण, लेंस तो लेंस सूत्र ठीक ना, लेंस सूत्र ही क्यों, आप ये लेंस है, लेंस के बाद पूरा है ये आवर्धन और आवर्धन के लिए लगाते हैं, तो हमको निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति ना, भी निकालना है ना, तो भी हमको इसमें भी है, मानते हैं इसमें भी है, लेकिन इसमें आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो किससे चलेंगे लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र में देखिए लेंस सूत्र में क्या है, भी है, भी मालूम करना है, यू यू मालूम है, ए ये भी मालूम है, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, यही आपको देखना है कौन फॉर्मूला लगाना है ठीक है। ये क्यों लगा है, क्योंकि इसमें तीनों चीज आपको पता है, एक चीज नहीं पता है, दो चीज पता है, तो इससे बन जाएगा, तो बनाइए 1/V, भी नहीं मालूम
ऐसे ही लगेगा, माइनस ई बटे आर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, वन बटे बी बराबर वन बटे एफ, एफ जब कितना है दस प्लस वन बटे यू, यू जब कितना है माइनस टू है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का पता होगा यहाँ पर एलसीएम होगा दस दो का दस या ये माइनस प्लस माइनस, तो दो बचे दस या पांच हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व कीजिए, एक बटे बी बराबर हो जाएगा माइनस चार बटे दस, यानी भी तीसरा किसी गुना जाएगा ना, या प्लट दीजिए नहीं तो तीसरे किसी गुना कर लेते हैं तो भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस दस बटे चार, प्लट किया ना ये पलटेगा तो भी ऊपर एक नीचे, ये पलटेगा तो दस पर चार नीचे, और चार ये दो से कट गया ये पांच से, यानी माइनस दो दशमलव पांच कितना आ गया माइनस दो दशमलव पांच। एक मिनट वेट कीजिए, अभी आगे बढ़ाते हैं फिर हम बताते हैं, भी निकल गया ना, हम बोले थे आपको क्या कि आवर्धन इसमें कहा नहीं है, लेकिन फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर बोलेगा आवर्धन निकाले और आपको नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा, तो आवर्धन निकालने का पूरा क्या होता है एम बराबर क्या एम बराबर दो गुना माइनस बी बटे यू और प्लस बी बटे यू, तो यहाँ कौन क्या है लेंस है ना, लेंस वाला कौन फॉर्मूला ये ना प्लस बी बटे यू, तो सर ये भी तो फॉर्मूला है, अरे सही बात बोल रहे हैं ये भी फॉर्मूला है ठीक ना, तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम होगा तब, मालूम है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई है मालूम, तो नहीं लगाएंगे सर बी आई यू मालूम होगा तब, बी आई यू मालूम है मालूम, देखिए यू यहाँ पर दिया हुआ है अभी हम मालूम कर चुके हैं, ये फॉर्मूला नहीं रह जाएगा आवर्धन का, तो एम लगा लीजिए एम बराबर प्लस बी बटे यू प्लस बी, बी कितना है माइनस दो दशमलव पांच बट यू, यू कितना है यू आप है माइनस दो माइनस दो, अरे ये भी तो माइनस था प्लस लिखे माइनस है ना यहाँ पर माइनस लिखेंगे, जिसको सॉल्व कीजिए प्लस माइनस माइनस दो दशमलव पांच और माइनस दो माइनस माइनस कट कट गया ना, अब ये दशमलव आठ जाएगा नीचे कितना जाएगा जीरो हो जाएगा, पांच से कट गया ये चार बार में पांच से पांच बार में, और चार से पांच बार ये एक दशमलव फिर हो जाएगा चार एक चार जीरो तो चार दो आठ तो दो जीरो चार बच्चे एक दशमलव दो पांच को दिक्कत, ये आवर्धन कितना आ गया एक दशमलव दो पांच, अब माइनस में आया कि प्लस में आया प्लस में आया ना, अब आपको निकालना क्या है एज रेस, क्या निकालना है एज रेस ना, अगर आवर्धन क्या रेस निकाल लीजिएगा यहाँ कहा नहीं था फिर भी हम निकाल लिए, क्यों निकाले इसके कारण बताते ना, पहले एज रेस निकालना है ना, एज रेस निकालने का कौन फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कि नहीं फॉर्मूला, इससे भी आप बना सकते हो इससे भी बना सकते हो कैसे सर आपकी जो मर्जी, अगर ये लगाना चाहते हो इससे भी बन जाएगा, क्योंकि एम कमान निकाल लिया ना तो एम कमान यहाँ पर लगा देंगे भी बन जाएगा, और इससे बनाने की मर्जी है तो इससे भी आप बना सकते हो कैसे, तो हमको एज का मान मालूम है भी का भी मान मालूम है यू का भी मान मालूम है, तो आप बोलिए किससे बनाना चाहोगे, इजी है ना इससे बना लो, तो लिखिए अब एम बराबर एज डैस बटा एच ये ना, तो एम के जब कितना एम के जब आपका है एक दशमलव दो पांच, एच डैस नहीं मालूम, एच एच कितना आपका एच पांच है ना यहाँ पर पांच, ये भागा मिल जाएगा क्या जाएगा गुना हो जाएगा, तो एज रेस बराबर कितना हो जाएगा गुना कीजिए पांच पांच पच्चीस के पांच दो पांच दस बारह दो पांच पांच छह इतना सेंटीमीटर में तो लिखिए सेंटीमीटर को लिखा, तो सर इसमें कुछ नहीं लिखे इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखे आवर्धन कुछ नहीं लिखते हैं आवर्धन में कुछ नहीं लिखते हैं सेंटीमीटर मीटर दिक्कत समझ आ रहा है आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन बन गया अब जो जो कर उसका आंसर लिखिए क्या करा प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे प्रतिबिंब 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 क्या दो दशमलव पांच दो दशमलव पांच सेंटीमीटर की दूरी पर या माइनस है ना माइनस बता रहा है कि वस्तु की तरफ ही बन रहा है किधर बन रहा है वस्तु की तरफ दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा किधर बनेगा वस्तु की ओर समझ आया नहीं आया अगर ये माइनस नहीं आता प्लस आता तो उधर की तरफ ये लेंस के पीछे बनेगा मतलब वस्तु के दूसरी ओर आया समझ में या इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस आया माइनस इधर होता है कौन सा साइड एल एच एस ना तो लेफ्ट साइड बनेगा ठीक है बाया साइड तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो दो दशमलव पांच माइनस मत लिखेगा क्यों क्योंकि माइनस का मतलब ये हो गया वस्तु की ओर आए समझे ना माइनस नहीं लिखते हैं कभी भी माइनस नहीं लिखेंगे माइनस का मतलब लिखेंगे माइनस का मतलब क्या वस्तु की तरफ बना इधर ही आ गया समझ में वो ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन था आकार बताइए तो प्रतिबिंब का आकार कितना प्रतिबिंब का ये है जी छह दशमलव दो पांच सेंटीमीटर अब कह रहा है क्या प्रकृति बताइए प्रकृति में वास्तविक है कि काल्पनिक तो देखिए एम का ऋणात्मक एम कैसा आया एम है ना एम का मान माइनस आया कि प्लस में ना यानी कुछ साइन है एम का मान एम ये है जी एम यहाँ पर ये है एम का मान कुछ है नहीं है तो प्लस है और प्लस वाला को बोलते धनात्मक और धनात्मक रहेगा तो प्रकृति कैसे रहेगा आभासी लेकिन चूंकि आवर्धन आवर्धन करने मतलब क्या एम एम क्या धनात्मक है जी कुछ नहीं तो धनात्मक है या माइनस नहीं है प्लस हो गया धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा
धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, समझ आया? तो इस तरीके से हम बना लेंगे। इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसको लिख लीजिएगा साइड के साथ, कहां पर प्लस कहां पर माइनस होगा सब यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। बस एक चीज लिखा हुआ था कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, तो उसको भी लिख दिए। तो आप साइड के साथ लिख लोगे, क्या निकालना वो ऐसे लिख लोगे। अब देखना कि लेंस है तो लेंस सूत्र लगाएंगे, दर्पण है तो दर्पण सूत्र, और सम अज्ञात से निकाल लेंगे। अगर भी नहीं मालूम तो भी निकाल लेंगे, यू नहीं मालूम रहेगा तो यू निकाल लेंगे, एक नहीं मालूम रहेगा तो एक भी इसी से निकाल लेगा, नहीं निकलेगा एक भी मालूम यहां से निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे कभी कभी आर दे देगा, जब आर दे देगा तो एक निकालेंगे से दो से भागा करके, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा भी निकल गया तो एम निकालने, क्यों एम निकाले हम इसके लिए निकाले, बोले बताएंगे बाद में, बता रहे हैं एम निकालते इसीलिए। पूछा था कि कैसा प्रकृति है वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तविक काल्पनिक कौन बताएगा, एम, एम ने बताएगा, देखा हुआ कि नहीं, एम बताएगा वास्तविक की काल्पनिक। तो ये बता दिया एम अगर क्या धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, एम धनात्मक है तो आभासी। बताया नहीं बताया कि फिजूल का नहीं निकाले थे, फालतू का नहीं निकाले थे, एक तीर से दबल निशान, एक तो आपको एम निकालने के लिए सिखा दिया, आप अर्थ निकालने के लिए सिखा दिया, और दूसरी बात इससे मेरा मैथ भी बन गया, न्यूमेरिकल भी बन गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे। एम का जब मान निकाल लिया है तो आपको निकालना प्रतिबिंब पूछा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कोई बच्चा ये भी लगाएगा तो बन जाएगा, आप ये लगाइएगा क्या एच डे से, जब एच डे लिखेगा एच जब पर दो लिखेगा, एच में दो लिखा हुआ नहीं सॉरी पांच लिखा हुआ, पांच है ना, पांच लिखेंगे, भी के जब पर यहाँ से वैल्यू लिखेंगे माइनस 2.5, यू के जब पर लिखेंगे माइनस 2, और सॉल्व करेंगे तब यहाँ ये निकल जाएगा एच डे से। ठीक है, तो ये करना हार्ड है, ये करना इजी है, इसे क्यों नहीं बनाएंगे, आगे समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन साफ करना पड़ेगा, तो साफ करके मिलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले बोलते ना कि आपको एक दो क्वेश्चन ही चार पांच क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, और इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो गारंटी है कि बना लोगे, पहले क्वेश्चन से विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। देखिएगा आप अपने आप बोलिएगा, आप जहां बैठे हो वहीं से बोलिएगा, जो पूछेंगे आप बताते जाइएगा। अगर आप बोल लेते हो तो समझो कि आपको आ गया, अगर नहीं बोलते हो तो फिर से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप बोलिएगा जो पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले, फोकसांतर को मतलब बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं फोकस दूरी, ऐसा समझना, फोकस अंतर का मतलब क्या होता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को एफ लिखते ना, एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, नहीं अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, तो पहले आगे पता देते हैं कौन सा दर्पण बोला जी, यहाँ देखिए यहाँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होगा, ऐसा समझना, अपने मन समझ लेना। अच्छा, ये तो फोकस दूरी दे दिया तब ना, अभी पिछला मैच था उसमें भी फोकस दूरी दे दिया था, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये आगे समझ रहे फोकसांतर है, समझा गया कि फोकस दूरी ही लिखना है आया, और अवतल है तो माइनस लिखना है वहां से। कोई दिक्कत, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, नया चीज सिखाते हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकसांतर न लिख करके ऐसा लिख देगा कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला कोई अवतल दर्पण है, तो क्या लिखेगा वक्रता त्रिज्या ना, क्या लिया वक्रता त्रिज्या, क्या बढ़ते हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अपने मर्जी से कुछ नहीं करना, जो भी आपको बता रहे बस वही करना है। आगे हम पहले ही बताते हैं कि जब भी आर दिया रहेगा तो आपको आर से काम नहीं करना है, किससे काम करना है एफ से, तो सबसे पहले आप एफ निकाल लीजिए, एफ बराबर क्या होता है आर बाय टू, मतलब आर बाय टू करने का मतलब माइनस 40 बटे 2 करने का मतलब माइनस 20 सेंटीमीटर, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, मतलब वस्तु की दूरी दिया हुआ है ना, वस्तु रखा गया तो वस्तु की दूरी है जी, अब वस्तु की दूरी कितना दे दिया 40 सेंटीमीटर, हम बताए थे कि वस्तु दूरी को क्या लिखना है माइनस में, क्योंकि वस्तु में ये सारा रखा था और ये सारा क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, क्लियर? चलिए आगे, तो हमको निकालना है प्रतिबिंब का क्षण, क्या निकालना है प्रतिबिंब का क्षण, प्रतिबिंब का क्षण मतलब भी नहीं मालूम, नहीं मालूम तो वाट, आकार निकालना, आकार का मतलब एच डैस वाट, प्रकृति, प्रकृति बता दे कैसे निकालते हैं एम से, जब भी प्रकृति बनाना तो पहले एम निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा एम, को लिखकर चलिए सॉल्व कीजिए। ये लेंस है कि दर्पण है, दर्पण है तो लेंस लगाएंगे जी, ये बता, अरे दर्पण में दर्पण ना लगाएंगे, इलाज करना किडनी का ऑपरेशन करेंगे, ये दिल का इलाज करेंगे, पता चला कि मर जाएगा, नहीं यहाँ पर दर्पण है, दर्पण से मर गए, जो रहेगा वही एक दर्द हो जाएगा, लिखा है क्या दर्पण, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है 1/v + 1/u = 1/f, ये ना जी भाई लोग कीजिए 1 का 1 भी मालूम नहीं मालूम, भी तो निकालना है ना, भी ऐसे निकाल दिया,
प्लस वन बटे यू, यू मालूम? हाँ जी मालूम, कितना माइनस चालीस बराबर वन बटे एक, एक मालूम? मालूम, माइनस बीस। अरे समझ रहे हैं, अब सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने को आता होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस को चला जाता है, ये माइनस का ये सारे आपको क्या हो जाएगा प्लस में जी, हो नहीं होगा, माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा ना। अब यहां पर लिखना चाहते धीरे में तो क्या लिखते हैं, पहले ये कितना लिखा माइनस एक बटा बीस, ये माइनस लिखे तो प्लस में, इसको सॉल्व करते हैं बटा बी बराबर बीस चालीस का आंसर कितना चालीस, बीस बटे चालीस माइनस दो प्लस चालीस में चालीस एक यानी माइनस एक बटे चालीस, ये होगा ना, बहुत ही होगा। अब माइनस एक बटे चालीस हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, या इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, अभी बताया ना थोड़े पहले, आपको आता होगा निकालना जी, नहीं आता है, कितना को आया एक बटा बी बराबर कितना आया माइनस एक बटे चालीस, दवाई सॉल्व करते हैं तो कितना बी बराबर कितना आएगा माइनस चालीस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे, क्लियर। अब हमको जब भी निकालना प्रकृति है, प्रकृति के एम चाहिए, क्या चाहिए एम, तो पहले एम निकाल लेते हैं, एम बराबर, अब एम बराबर कौन कौन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे क्या, अरे लेंस है दर्पण में जी, तो दर्पण लगाएंगे कौन कौन, ये लगाएंगे सर, ये भी तो है, हाँ ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी एज लेस मालूम है नहीं मालूम है, हमको भी एम मालूम हो गया ना, तो कौन लगाएंगे ये वाला, ठीक है ये लगाते हैं, तो एम बराबर क्या है जी माइनस बी बटे यू, माइनस बी बटे यू, माइनस ले माइनस बी, बी जब माइनस चालीस है ना, यानी कि माइनस चालीस बटे यू, यू है ना, यू की जब कितना है जी देख लीजिए, देख लीजिए अरे माइनस चालीस, माइनस चालीस है तो एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया ना, अभी चालीस से चालीस कट जाएगा तो कितना एक, ये माइनस है ना माइनस, पहले यहाँ पर कोई दिक्कत, ये चालीस से चालीस कटा जी एक माइनस तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस वन निकल गया, अब हमको निकालना है प्रतिबिंब का आकार, क्या निकालना है आकार, आकार निकालने के लिए कोण यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो लेंस है तो हम दर्पण में चलेंगे, दर्पण में ये सब कोण लिखे हैं है ना, तो ये कोण यूज कर सकते हैं, तो अब लिखेंगे एम बराबर एच डैश बटा एच, एम का मान मालूम है कितना माइनस है, एच डैश नहीं मालूम, एच एच मालूम है, ओ एच भी मालूम नहीं है, है एच मालूम नहीं, तो जरा एच भी मालूम नहीं है ना एच डैश मालूम है, तो आकार कैसे निकलेगा प्रतिबिंब का, ठीक है प्रतिबिंब का आकार कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, आपको प्रतिबिंब का यहाँ पर आकार दिया हुआ है वस्तु का आकार, देखिए कहीं ध्यान से चालीस सेंटीमीटर में वस्तु का जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब का कहीं वस्तु का आकार दिया हुआ है नहीं, तो सर क्वेश्चन तो दे दिया आकार, अब आकार कैसे निकालेंगे, अरे हर बीमारी का यहाँ पर इलाज है, कोरोना नहीं हो रहा है इलाज नहीं है, देखिए हम निकाल लेते हैं इसका इलाज, नहीं मालूम है प्रतिबिंब का आकार नहीं मालूम है, तो यहाँ एच ही लग दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तीसरे किसी को ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा माइनस एच डैश, या फिर माइनस इधर लिख सकते हो या फिर एच डैश, कोई दिक्कत, तो कोई भी ऊंचाई जो वस्तु ऊंचाई होता है वो माइनस में होता है कि प्लस में होता है, प्लस में होता है ना, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तब ना, ये माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ जाएगा एच, इधर क्या हो जाएगा माइनस एच डैश, तो क्या पता चला कि जो वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है, देखा बराबर, बस ये माइनस में है, माइनस माने मतलब कहाँ है नीचे, तो नीचे मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब वास्तविक, आया समझ में, तो चलिए बारी आ सकते हैं, अगर यहीं पर आपको कहीं वस्तु की ऊंचाई लिखा रहता है यहाँ पर कहीं भी लिखा रहता है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई आप वैल्यू कर लेते हैं, मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई लिखा रहता है दस, या क्या लिखते हैं दस, आया समझ में, वस्तु की ऊंचाई लिखा रहता है पंद्रह, या क्या लिखते हैं पंद्रह, देखिए बहुत ही ज्यादा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं वस्तु ऊंचाई, फिर पूछते हैं प्रतिबिंब का कैसे बन जाएगा ना, तो आप लिखेगा आंसर क्या कहेंगे, पहले था कि प्रतिबिंब का स्थान, देखिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब कौन भी हो रहा जी, विकिरण कही ना माइनस चालीस ना, अभी बताते माइनस लिखते हैं नहीं लिखते, तो प्रतिबिंब चालीस सेंटीमीटर की दूरी पर, और माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है वस्तु की ओर, अगर प्लस आता तो क्या लिखते हैं वस्तु के दूसरी ओर, यहाँ प्लस आता तो क्या लिखते हैं वस्तु के दूसरी ओर, और माइनस है तो वस्तु की ओर, दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। एक बात यहाँ पर और नोटिस करने की बात है, यहाँ 40 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर क्या है वक्रता त्रिज्या है जी, कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, क्योंकि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ना, और पढ़ेंगे ऐसे दर्पण में कि ये मान लीजिए फोकस हुई है, ये वक्रता त्रिज्या है, अब यहाँ पर ई लिखा कि 40 सेंटीमीटर है और फिर से 40 आया तो मतलब इसी पर बन रहा है, लेकिन क्या वस्तुआ था ऊपर और प्रतिमा बन रहा थी ना नीचे, अरे समय कहाँ बन रहा है वक्रता त्रिज्या पर, तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते नहीं लिखेंगे तो भी सही है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहां बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा, हो गया। अब आगे आगे क्या लिखना हमको प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, वस्तु के
आकार के बराबर है। देखिए पिछला मैं आपको वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ था तो पृथ्वी की ऊंचाई निकल गया था, निकला था ना, नहीं निकला था, लेकिन सब वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया है तो पृथ्वी की ऊंचाई भी नहीं निकला, तो ऐसे ही सर्व करके देखिए दोनों बराबर आ गया, तो लेकिन पृथ्वी का आकार बराबर है वस्तु का आकार नहीं। अब मान लिया दस आकार यहाँ पर लिखे दस है, वस्तु का आकार दस पृथ्वी का आकार भी दस सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अगर पृथ्वी की तो एम का मान क्या माइनस नौ, तो लिखेंगे चूंकि एम का मान क्या है माइनस मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक है इसलिए इसलिए प्रतिबिंब एम का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक जब भी वास्तविक रहेगा तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा है यहाँ पर देखना है, वास्तविक रहेगा तो उल्टा है, उल्टा रहेगा तो वास्तविक है। और आभासी को काल्पनिक बोलते हैं, देखिए हम उसमें लिखना भूल गए थे अलग से लिखे, आभासी को क्या बोलते हैं काल्पनिक, तो पिछला में आभासी से रहता ना उसको काल्पनिक भी हम लिख सकते हैं, ये था आपका ये वाला मैट। अब इसके बाद और ही जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आते हैं, इसको साफ कर लेते हैं ना तो समझ में आ गया होगा ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अवतल लंबन है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु दूरी को यू लिखते हैं, यू कहता है 10 सेंटीमीटर, अब वस्तु दूरी हमेशा क्या लिखा था माइनस लिखा था ना, यार ये माइनस को लिखा, बिंब का तीन गुना आवर्धित, बिंब माने वही वस्तु होता है, बिंब माने क्या होता है वस्तु, आवर्धन कितना लिखा हुआ है तीन, आवर्धन को एम लिखते हैं, एम कितना है तीन, ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं होता पहले ही बता दिया है, तो एम हो गया तीन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है वास्तविक, क्या लिखा है वास्तविक, तो जब भी वास्तविक होगा तो एम क्या होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, कितना तक समझ में आया, यहाँ लिखा है वास्तविक, वास्तविक मतलब एम ऋणात्मक, लिखता है यहाँ पर काल्पनिक, तो काल्पनिक का मतलब क्या है एम प्लस हो जाता है, अगर उल्टा लिखा तो उल्टा मतलब माइनस, सीधा लिखा तो सीधा मतलब प्लस, कोई लिखा नहीं। अब यहाँ पर लिखा कोई निकालना क्या प्रतिबिंब की स्थिति निकालना, प्रतिबिंब तो भी बराबर भाग, तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला मेरे पास ये दर्पण वाला है ना, ये देखिए क्या क्या दर्पण है, तो दर्पण है, दर्पण का कौन है एम वाला, ये वाला है जी, तो सर ये भी तो है, तो हमको भी और ई वाला मार्क बना है ना, तो भी और ई वाला एम कौन है ये ना, तो ये लिखेंगे इसीलिए एम बराबर माइनस भी बटे यू, एम का मान माइनस थ्री भी नहीं मालूम यू, यू कितना माइनस दस, माइनस माइनस कर जाएगा दस या तीस, भी बराबर कितना होगा माइनस तीस सेंटीमीटर, आया समझ ना, तो ये क्या प्रतिबिंब की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, और माइनस मतलब वस्तु की ओर, माइनस है तो वस्तु की ओर ना पता है ना, अब प्लस रहेगा तो दर्पण के पीछे यानी वस्तु के दूसरी ओर, यानी कि मैं आता प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस नहीं दिख रहा है आपको पहले ही बता दिया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगी, वस्तु की ओर ही बने, आगे समझ में इसी बीच से पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को 3 और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है, तो मतलब किसी वस्तु को किस दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को किस दूरी पर रखा जाए उस पर 3 गुना आवर्धन प्राप्त हो, तो वहां पर किस दूरी पर रखा गया कि यू मालूम नहीं है, यू मालूम नहीं है, भी दिया हुआ रहेगा तो उसमें भी दिया रहेगा, यू मालूम नहीं होगा यहाँ से यू मालूम कर लेंगे, कोई कर बस थोड़ा सा रहेगा कि कितना दूरी पर रखा जाए कि आवर्धन 3 गुना हो, तो सब यही काम करना है, बस वहां पर यू मालूम नहीं होगा, भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तब अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, मेरे ये समझ में आ गया होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आवर्धन यहाँ पर डेप के लिखना पड़ेगा, वास्तविक है तो माइनस और काल्पनिक रहेगा तो प्लस, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप सीख लोगे तो उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन बना लोगे, ये जो दो क्वेश्चन है ना ये आपको न्यूमेरिकल में आएगा नहीं, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसे दोनों को हम एक साथ बता रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसको पहले शुरू करते हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है, उस उत्तल लेंस की क्षमता निकालिए, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 है, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं f, f कितना 50, कोई दिक्कत नहीं, f हो गया 50, अब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक या ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, धनात्मक माने प्लस, कोई दिक्कत है नहीं, देखो क्षमता निकालना क्या निकालना है, क्षमता, क्षमता बोलते हैं पी, देखिए पी यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पी का दो फॉर्मूला है, एक बटा एक बटा एक बटा 100 बटा है, तो हम बोलते हैं कि जब सेंटीमीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, अब मीटर में रहेगा तो ये, तो सेंटीमीटर में रहेगा मीटर में, सेंटीमीटर में ना तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ना, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 100 बटे 1, ये सीएम नहीं लिख लीजिएगा, वो तो हम बताए हैं कि सेंटीमीटर में रहेगा तब ये लिखना है, अब मीटर में रहेगा तो ये, तो 100 के जगह 100 कितना प्लस 50 घटेगा कितना जगह 2.0 डायोप्टर, या सिर्फ 2 डायोप्टर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 डायोप्टर, ठीक है ना, प्लस में किसमें आया, प्लस में, कोई दिक्कत
आयसन में तीसरे चीज आपको और सीखने को मिलता है कि अगर फोकस यदि प्लस में आएगा तो क्षमता भी प्लस में आएगा, फोकस यदि माइनस में आएगा तो क्षमता भी माइनस में आएगा, यानी इसका मतलब एक और हो गया कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। सीखे ना उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन समझ आया, क्षमता जब भी निकालने का तैसे निकालेगा। एक क्वेश्चन और मान लीजिए किसी का फोकस दूरी दे दिया, किसी का भी मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया 2 मीटर, कितना दे दिया 2 मीटर माइनस में, तो बताइए माइनस में फोकस दूरी 2 मीटर दिया है इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? तो माइनस में क्या होता है, माइनस में अवतल लेंस होता है ना, ये कौन सा लेंस है? अवतल पहचान हो गया, पहचान हो गया, पहचान हो गया, लिख दिया कि फोकस दूरी माइनस 2 मीटर है तो कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है। क्यों? क्योंकि इसका ऋणात्मक मान है। अब इसका आपको क्षमता निकालना था, क्षमता वाला क्या होता है? ये दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर दिया तो कौन लगाने को मिला? मीटर लगा तो ये लगा एक बटा ए, एक बटा ए कह रहे एक बटा माइनस टू, सौ कर 0.5, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस हो जाएगा 0.5 डायोमीटर। क्लियर है? तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट लोग सीख लिए, जिसका फोकस दूरी माइनस में रहेगा तो सुन लोग इसे बना लिए, या ऐसे ही रहेगा कि कोई अवतल लेंस है जिसका फोकस दूरी 2 मीटर है तो अपने मन समय पर नहीं रुके माइनस, नहीं माइनस नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से माइनस, क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला मैं अपनी फोकस दूरी निकालना है, यानी फोकस दूरी हमको मालूम नहीं है, व्हाट नहीं मालूम है। चलिए आगे इसकी क्षमता कितना है, इतना क्षमता को क्या लिखते हैं? पी, पी कितना है? -2.0 डायोप्टर, ये ना जी, पी कितना है? -2.0 डायोप्टर। तो यहाँ पर आप कौन सा फूल लगाना चाहोगे, ये वाला कि ये वाला? आप स्वतंत्र हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये लगाने का, ठीक ना। ये वाला यहाँ पर लिखेंगे पी की जगह क्या लिखेंगे, 100/m बराबर कितना, -2.0। अच्छा 2.0 को पूरी की कोई दिक्कत है? 2.0 मतलब 2, क्योंकि 0.0 होता है कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं था, 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0.0 इसी लिए 2। हाँ यहाँ पर 5 आता है, 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के नीचे कुछ देर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्यों होता है? तो -2 से में होगा तो -2 में बराबर जाएगा 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 गुना मिलाया तो भागा में, ये बराबर क्या हो जाएगा, 100/-2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ऐसा सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला लगाए थे सेंटीमीटर वाला। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ जो भी आंसर आएगा उसको क्या लिखोगे, मीटर, क्या लिखोगे, मीटर, क्योंकि ये मीटर वाला फॉर्मूला है, ये सेंटीमीटर, ये लगाओगे तो सेंटीमीटर ना, ये लगाओगे तो मीटर। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्षमता भी निकाल सकते हैं, अगर कभी क्षमता दे दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब इसके बताया कि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, देखिए माइनस आया ना, माइनस आया ना, तो जो कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर से बोलेंगे अगर नहीं आपने ये स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, और उम्मीद है कि आपको पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, पूरा लेसन इसका बनने वाला है। तो आज का इतना ही रख लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया खास टॉपिक लगेगा, ठीक ना, तब तक उस वीडियो को डिजाइन कीजिए, आज के इतना ही, धन्यवाद।